नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं मशीन लेवल लैंग्वेज के बारे में। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। तो इसकी सभी वीडियो की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी? मशीन लैंग्वेज इज अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स। ये क्या होता है? कलेक्शन होता है, संग्रह होता है बाइनरी डिजिट्स का। अब बाइनरी डिजिट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? 1 और 0, ये दो ही तरह के होते हैं ना हमारा, 1 या फिर 0, ये दो ही बाइनरी डिजिट्स होते हैं हमारे। तो इनका संग्रह, इनका कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। और या फिर इनको आप बोल सकते हैं बिट्स, बिट भी बोल सकते हैं ना आप। 0 को आप बिट बोल दोगे, 1 बिट, 1 को आप बोल दोगे बिट, ठीक है। तो ये क्या हमारा कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट्स है, इस तरीके से इसको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज द ओनली लैंग्वेज अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स। तो मशीन लैंग्वेज ही सिर्फ एक अकेली ऐसी लैंग्वेज है जिसको एक कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है, समझ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, 2 add 2 numbers, वी वुड नीड अ सीरीज ऑफ बाइनरी कोड सच एज। अगर हमें 2 numbers को ऐड करना है ना, मान लीजिए मेरे पास 2 numbers है, मैंने पहला नंबर ये लिया, एक पहला नंबर है, मान लीजिए 5 है ये, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज द फर्स्ट नंबर, इंग्लिश में बोलूंगा तो क्या बोलूंगा, दिस इज द फर्स्ट नंबर जो कि 5, ठीक है। इसको मैं अगर इस तरीके से लिखूंगा तो ये 5 को मैं इस तरीके से लिखूंगा बाइनरी में। ऐसे अगर मैं लिखता हूँ 4 को, तो 4 को इस तरीके से लिखूंगा, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, 5 और 4 मेरे पास 2 नंबर आ गए हैं। अब मेरे को इंस्ट्रक्शन देनी है, निर्देश देना है कि इन दोनों को ऐड करो, एड द 2 numbers 5 and 4। तो मैं उस जो इंस्ट्रक्शन है उसको किस प्रकार से लिखूंगा, इस तरीके से लिखूंगा कि एड द 2 numbers 5 and 4। तो ये क्या है, एडिशन करने के लिए। तो इस प्रकार से फिर इसमें आगे परफॉर्मेंस होगी, आगे इसका टास्क एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार से हम बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं। तो अगर आप सोचें कि बाइनरी लैंग्वेज में कितना मुश्किल है इसको लिखना, कि आप लिख सकते हैं इसको कोड करना बार बार, कि आप जो भी इंग्लिश में बोल रहे हो उसको बार बार से 1010 के फॉर्म में कोड करोगे, तो कितना बहुत मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। तो इस लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या समझ सकता है, कंप्यूटर समझ सकता है, ठीक है। हम जो लैंग्वेजेस में लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं या फिर असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं, जिसके बारे में आगे मैं बात करूँगा आगे वाली वीडियो में। और इंट्रोडक्शन में हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था, जिसमें हमने प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन की बात करी, तो उसमें हमने देखा था कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी। तो हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं वो पाइथन, जावा, C++ में लिखते हैं, तो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसको जो कंप्यूटर है उसमें कन्वर्ट करके दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा। जब हम कंपाइलर का यूज करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, जो हमने लैंग्वेज लिखी है उसको कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज में। तो कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करता है, ये बात आपको क्लियर कर लेनी है, ठीक है। वो डायरेक्टली हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है पाइथन जावा को डायरेक्टली नहीं समझता, उनको क्या किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक जानकारी थी कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।